है गाइज व्हाट्सअप वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस एंड हैव अ प्लेजेंट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाउ आई अजय कुमार यो इंग्लिश टीचर इज गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर टेन द बिगर रिटन बाय एंटन चेकॉब फ्रॉम न्यू मोमेंट्स बुक ऑफ एन सी आर टी क्लास नाइन सोफा वी हैव लर्न टिल पेज नंबर फोर हम लोगों ने पेज नंबर फोर तक कंप्लीट किया है एंड वी हैव लर्न हाउ अ ड्रंकन पर्सन हुज नेम वॉज लश्कॉफ वॉज नाउ यू नो यू कैन से उसकी uh, सर्गी की मदद से वो अपने लाइफ uh, में वापस ट्रैक पर आ गया है अर्लियर ही यूज टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाइन एंड ड्यू टू दैट ही वॉज़ लिविंग अ वेरी पुअर लाइफ एक बहुत ही गरीब की जिंदगी जी रहा था झूठ बोलना पड़ता था उसको पैसे कमाने के लिए बट ग्रेजुअली ही वर्कड विथ सर्गी एंड ही एक्चुअली वर्कड फॉर सर्गी वो वर्क सर्गी के लिए काम करने लगा उसके यार्ड में जाके लकड़ियाँ काटने लगा देन आफ्टर शिफ्टिंग में उसका मदद किया उसका यू you नो know, रग से डस्टिंग करने का काम किया बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि उसको मतलब सर्गी को यू you नो know, अच्छा लगा एंड देन आफ्टर ही गेव हिम अ वर्क ऑफ कॉपिंग उसके बाद उसको एक कॉपिंग का काम दिया उसने राइटिंग का काम दिया एंड देन आफ्टर ही मूव्ड अहेड इन हिज लाइफ वो अपने लाइफ uh, में जिंदगी में काफ़ी आगे बढ़ा और अब भी वो एक एज अ नोट्री ऑफिस सर काम कर रहा है ना विल नाउ कंटिन्यू दिस आई मीन चैप्टर सिंस दे मेट एट द आई मीन थिएटर विंडो एक थिएटर विंडो के पास में दोनों मिलते हैं दोनों के बीच बातचीत होती है और वो उससे हालचाल पूछता है सरगी की से लश्कप बोलता है कि काफ़ी अच्छा है वो और उसकी जिंदगी काफ़ी अच्छी कट रही है क्योंकि अभी जो है वो अच्छा खासा पैसा आई मीन ही इज़ अर्निंग अराउंड थर्टी फाइव रूपल्स अ मंथ अभी वो कमा रहा है नाउ थैंक्स हैट्स अ फाइन आई एम डिलइटेड फॉर योर सेक आई एम वेरी वेरी ग्लैड लश्कॉफ यू सी यू आर माई गॉडसन इन अ सेंस आई गिव यू पुश अलॉन्ग द राइट पाथ यू नो डू यू रिमेंबर

जिसको किसी ने आ, मतलब वादा किया है प्रॉमिस किया है कि वो उसको ऊपर उठाएगा उसके लाइफ में जो कि सरगी ने किया था नाउ रोस्टिंग मतलब स्कॉल्डिंग हियर नो रोस्टिंग का मतलब आप उसको रोस्ट करके मतलब जैसे तपा के यू नो बोलते हैं कि सोना जब तपता है तब ज़्यादा चमकता है तो रोस्टिंग का मतलब तपाना ठीक है यहाँ पे स्कॉल्डिंग हो जाएगा माँ सर्गी बोलता है कि वह काफ़ी ग्लैड था और भगवान को थैंक यू भी बोलता है थैंक करता है गॉड को बिकॉज ही हैज़ जस्ट रिफॉर्म्ड अ बेगर उसने एक बेगर को रिफॉर्म uh, किया है और साथ ही साथ वो बोलता है कि ही सेड दैट ही कंसिडर्ड लस्कफ़ टू बी अ टू बी हिज गॉडसन सन वो लस्कफ को uh, मतलब uh, अपना गॉडसन मानता है बिकॉज़ इट वॉज़ ड्यू टू हिज स्कॉल्डिंग उसी के कारण सर्गी के कारण जो है वो आज एक अच्छा इंसान बना है बदल गया है वो इंसान मतलब चेंज हो गया उसके अंदर में एंड uh, वो एक और बात बोलता उसको कि उसको याद दिलाता है कि जब वो उसके पैरों पे था उससे मतलब पैसे मांगता था नो झूठ बोल करके उससे मतलब काफ़ी काम वगैरह भी उसने करवाए न तो इन सारी चीज़ों को जो है वो याद दिलाता उसको एंड ही वॉज ग्लैड दैट लश्कड नॉट फॉर्गेट हिज वर्ड्स लश्फ उन सारी चीज़ों को नहीं भूला है ये उसको अच्छा लगा थैंक यू टू सेट लश्क इफ आई हैड नॉट कम टू यू देन आई माइट स्टिल हैव बिन कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे लश्कॉफ जो है अब उसको धन्यवाद देता है बोलता कि अगर मैं आपके पास नहीं आता उस दिन तो यू नो लाइक अभी तक जो है वो ऐसे ही झूठ बोल करके पैसे कमा रहा था कमा रहा होता यस बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैगड माई सेल्फ आउट ऑफ अ पिट आई एम वेरी ग्लैड इन डिड एक्चुअली वो बोलता है कि उसको इस ही केम आउट ऑफ द पिट विद द हेल्प ऑफ सर्गी वो बोलता है कि आपकी वजह से मैं इस दुख से बाहर निकला हूँ और uh, उस बात को लेके वो काफ़ी ग्लैड है काफ़ी खुश है कि उसने uh, सर्गी ने उसकी मदद की थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू टू योर कुक गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमेन हु स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इनडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ऑलगा हु सेव्ड मी नाउ अब लश्क बोलता है वो थैंक करने के बाद आ, मतलब सर्गी को थैंक करने के बाद बोलता है कि मैं साथ ही साथ उस कुक का भी काफ़ी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उस नोबल वूमन ने ही मुझे एक्चुअली इतना ज़्यादा इंसिस्ट किया इतना ज़्यादा वो किया क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा कि कहानी में कैसे वो उसको स्कॉल्ड करती है जब उसको ले जाती है यार्ड में तो बैंग करती है कुल्हाड़ी भी फेंक करके देती है उससे चिढ़ी हुई रहती है तो उसका जो चिड़ था उस लेडी का वो लश्फ को काफ़ी बुरा लगता था और उसके कारण उसने आ, ये सारी आ, नो चीज़ें पाई है साथ ही साथ सर्गी का भी उसमें मदद था ऑल दो सर्गी हैड बिन काइंड टू हिम सर्गी थोड़ा सा उसके प्रति नरम रहता था लेकिन औलगा जो है आ, मतलब वो ज़्यादा कोशिश करती थी उसको परेशान करने का तो इसके कारण से वो ओलगा को भी काफ़ी धन्यवाद दे रहा है हाउ इज़ दैट आई मीन सरगी पूछता है याद सरगी सरगी से पूछता है कि अभी वो कैसी है आई मीन वेन आई यूज टू कम टू योर हाउज टू चॉप वोट सी यूज टू बिगिन ओह यू सॉट यू ओह यू मिजरेबल क्रिएचर देर इज नथिंग फॉर यू बट रोइन एंड देन श्री Would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. Oh, you unlucky man! There is no pleasure for you in this world, and there will be none in world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one! And so she would carry on. You know, uh, in that strain. I can't tell you how much misery uh, she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was uh, she used to chop the wood for me. Do you know, sir, that I did not chop one single stick of wood for you? She did it all. Why? This saved me. Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her, I cannot explain. I only know that, owning to her words and noble deeds, and change took place in my heart, she set me right and I shall never forget. However, it is time to go now. There goes the bill. Lushkov bowed and departed to the gallery. Now, uh, सॉट हीयर मीन्स आ हैबिचल डंकर्ड एक जो मतलब पीने वाला जो व्यक्ति जो आदतन जो पीने वाला व्यक्ति होता उसको है उसको बोलते हैं तो नाव इन दिस पैरासी कि जितनी भी बातें बोली गई उसके थ्रू ओलगा के थ्रू वो सारी बातें जो है इसको काफ़ी दुख पहुंचाती थी क्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि इट वॉज अब्यूसिव उसको वो आई uh, मीन I mean, धिक्कारती थी ओल्गा जो, uh, oh, oh, जो है उसको ओह यू सॉट यू यू ओह यू मिजरेबल क्रिएचर ये सारे वर्ड्स जो है काफ़ी उसको धिक्कारने वाले थे और उसको बोलती थी तुम इस धरती पे एक यू नो यू कैन से कि भार हो uh, तुम जैसे लोगों को यहाँ पे रहना नहीं चाहिए एंड देन सी वुड सिट डाउन अपोजिट मी एंड ग्रो सैड फिर उसके बाद उसके बगल में बैठती थी उदास हो जाती थी उसके तरफ देख करके रोने लगती थी उसके आई I मीन mean, तरस खाती थी और तरस खाने के बाद वो रोने लगती थी मीन I mean, उसको दया आता था उसके ऊपर और बहुत सारी बातें उसने बोला ओलगा ने उसको और ये सारी बातें जो है उसको चेंज करने के लिए उसने बोला कि देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड दे विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम आपके लिए इस वर्ल्ड में कोई प्लेजर नहीं होगा और कोई आपके लिए प्लेजर लेके भी नहीं आएगा इस दुनिया में तो ये सारी बातें जो है उसने बोली उसको उसने यहाँ तक बोला यू विल बर्न इन हेल तुम नरक में जलाया जाएगा यू आर अनहैप्पी वन तुम बहुत ही मतलब उदास रहने वाले व्यक्ति हो और इस तरीके से बहुत सारी बातें उसने बोली और इन्हीं सारी चीज़ों से जो है मतलब वो इन्हीं सारी चीज़ों को सुन के जो है उसने डिटरमा डिटरमाइन किया ख़ुद को कि उसको जो है अपने लाइफ में चेंज करना है और बाद में उसने खुलासा किया कि जितनी भी लकड़ियाँ वो काट करके मतलब भेजता था वो एक्चुअली लश्कफ नहीं काटता था उसकी जगह पे वो औलगा काटती थी सो शी वॉज सो काइंड टूवर्ड हर नाउ उसका काम कुछ और था मतलब गुस्सा करती थी बट स्टिल शी वॉज हेल्पिंग हिम लशकफ की वो मदद करती थी एंड दिस इज हाउ लशकौफ जो है अब uh, काफ़ी उसके प्रति आभार व्यक्त करता है वो बोलता है कि वो उसके बारे में कभी भूलेगा नहीं uh, उसने उसको सही रास्ते पे ला दिया अब वो बोलता है कि अब उसको जाने का समय हो गया है और uh, वो वहाँ पर uh, जब थिएटर में मूवीज ऑफ हो जाती है ना तो लोग गैलरी से निकल कर के बाहर यू नो दे आर गोइंग आउट एट दे होम तो अपने घर चले जाते हैं उसी तरीके से लस्कअप जो है थोड़ा मीन आभार व्यक्त करते हुए बोर डाउन होता है और फिर वहाँ से गैलरी से निकल जाता है सो डियर स्टूडेंट द चैप्टर हैज़ बिन फिनिश्ड नाउ एंड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर एक्सरसाइज हाउ एवर आई थिंक वी कैन डू now also but it will be quite uh, big uh, you know uh, video it will be quite long not big sorry it will be quite long video and that uh, would not be worth for any mean so let's sum up this uh, story uh, well, with the summary whole summary so the story uh, summary begins from here the beggar is the story of a beggar named Lushkov while begging he met an advocate, Sergei, who gave him work. Sergei asked him to cut wood at his house. He asked the cook to show him uh, the shade where wood was kept. The beggar was too weak and was under the influence of alcohol. He would barely stand on his feet. Still, uh, the cook, Olga, told Sergei that the wood had been chopped. चूंकि वो अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता था फिर भी उसने लकड़ियाँ काट दी क्लगा जाकर के ये बताती थी एंड सर्गी वॉज ग्लैड दैट द मैन वर्क एंड पेड हिम फिफ्टी कॉपिक्स और सर्गी खुश होकर के उसका फिफ्टी कॉपिक्स लकड़ियों को काट चॉप करने के बदले दिया करता था ही आस्ट हिम टू कम ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फॉर इट समाइम्स ही आस्ट हिम टू शॉबल द स्नो और टू सेट द वुड इन द शेड और टू डस्ट द रग्स ही वुड पे between 20 to 40 kopecks and once gave him old trouser to uh, him uh, when sergey shifted his house he employed the beggar to help in transporting the articles the beggar had changed as he was uh, sober that day and sergey felt satisfied that his efforts had paid in reforming a drunkard as he could read and write, Sergei asked his name, offered him a better work and shook hands with him. After that day, Lashkov, the beggar was never seen. After two years, Sergei was buying a ticket outside at theatre and spotted Lashkov. Lashkov was well dressed and was buying a ticket off the gallery area. Sergey was glad to see him and uh, called him. Lashkov was now working as a notary and earned 35 rubles a month. He thanked Sergei for helping him out of pit for his kindness. Lashkov told Sergi that it was not for him but his cook, Olga, that he was a changed man. She would uh, scold him, cry for him, and chop the wood for him. Her behavior transformed Lashkov with

Lashkov became a beggar due to his circumstances. He had been a singer in the choir but was removed due to his drunkenness. Left with no other option, he started begging to fend him self, fend for himself. What reasons does he give to Sergei for his selling lies? Telling lies, sorry. क्वेश्चन नंबर टू इसका आंसर होगा लश्कॉफ टोल्ड सर्गी दैट ही वॉज फायर्ड बिकॉज ही वॉज ड्रंक आर्ट इफ ही टोल्ड द ट्रूथ पीपल वुड नॉट गिव हिम एल्स दस ही वॉज फोर्स टू लाई थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इज लश्क अ बिलिंग वर्क वाई देन डज ही अग्री टू चॉप वुड फॉर सर्गी लश्कॉफ वॉज नॉट विलिंग टू वर्क बिकॉज ही वॉज नॉट फिट He was hungry, felt cold, and was under the influence of alcohol. He agreed to chop wood for Sergei because of his pride and shame. He was trapped in his own words. We'll see next question. Question number four. Now, Sergei says, I am happy that my words have taken uh, effect. Why does he say so? Is he right in saying? when sergei uh, met lashkov for the first time, he was uh, reluctant to work. gradually, he took to work and reformed. sergei felt that his word and deeds that changed lashkov is right in saying so because if he had not offered him work, lashkov would still be begging in the streets. next uh, question, number five. lashkov is earning 55 rubles a month. how is he obliged to sergei for this? लश्क लश्कॉफ इज़ ऑबलाइज टू सर्गी फॉर अर्निंग थर्टी फाइव रुपल्स अ मंथ एज अ नोटरी वेन सर्गी नोटिस दैट लश्कॉफ हैड गिवेन अप ड्रिंकिंग ही ऑफर्ड हेम अ बेटर जॉब ड्यू टू विच लश्कॉफ बिकेम अ नोट्री वन डे लास्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है लास्ट है यस इट इज़ लास्ट तो इसमें देखेंगे ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लश्क ऑफ दैट सरगिज कुक ओल्गा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम हाउ हैज़ ओलगा लश्क ऑफ ओल्गा हेटेड द बिगर शी स्कॉल्डेड हिम फेल्ट पिटी फॉर हिम एंड इवन चॉप्ड द वुड फॉर हिम अब देखिए वो पहले तो उसको काफ़ी स्कॉल्ड करती थी uh, उसके लिए दुख व्यक्त करती थी और फिर बाद में उसके लिए लकड़ियाँ भी काटती थी शी वु ट्राई टू सी हिम पैथेटिक कंडीशन उसके बुरे मीन uh, uh, स्थिति को देख करके वो रोती भी थी ऑल दिस हैड एन अफेक्ट ऑन लश्कॉफ एंड चेंज हिम नाउ डियर स्टूडेंट वी हैव कम्प्लीटेड दीन क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर एज वेल वील सी मोर क्वेश्चन आंसर फ्रॉम दिस चैप्टर लाइक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन आंसर इवन सम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर एज वेल in the next part of the video so stay tuned with the cha uh, channel do like and subscribe the channel and do uh, share with your friends who is in need uh, of explanation line by line now we'll meet in the next part of the video till then bye take care and have a nice day thank you everyone